आज मैं नौसा पंचायत में पहुंच चुका हूं। ये फुलवारी शरीफ का एरिया है, फुलवारी शरीफ ये थाना भी है और गांव का नाम है हिंदुनी। अभी जो है तत्काल में 8 दिन पहले का जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें अपहरण का मामला है। एक लड़की होती है 16 साल की लड़की है और उसका अपहरण हो जाता है। यहाँ से जाती है बाजार में सामान खरीदने के लिए, फिर वापस नहीं आती है। आज कितने दिन हुआ? 11 दिन हो गया है। इसकी सूचना थाना प्रभारी मतलब फुलवारी शरीफ थाना को दिया गया, लेकिन अब तक इसकी खोजबीन नहीं की गई है। खोजबीन इसलिए नहीं की गई है कि ऐसे समुदाय से बिलोंग करते हैं जिनका ना तो घर में कोई है बड़ा में, ना सीनियर में कोई है, और ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं ना आप लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो इनको निश्चित रूप से सरकार की तरफ से सिर्फ वोटिंग के समय मुहैया कराया जाता है। आज का जो समय है जिसमें काफ़ी नुकसान इनको हुआ, ये इनकी बेटी जो है घर से न पाता है और इनको जब थाना प्रभारी को सूचना देते हैं तो बोलते हैं कि जब वो मिल जाएगी तब हम आपको खबर देंगे। मतलब सरकार का जो अधिकारी है, सरकार का जो पुलिसिया तंत्र है, वो अपने काम में माने नियमितता नहीं बरत रही है, अनियमितता बरत रही है, जिसका वजह है कि अभी तक 11 दिन होने के बाद भी लड़की जो है बरामद नहीं होते। हमारे बीच परिजन के माँ हैं तो वो बताएंगे कि कैसे कैसे घटना हो। क्या अपना नाम बताइए? कब का घटना है? 11 तारीख से किया सर। कब गई थी? इतवार दिन। उसका नाम? संजीव कुमारी। तो आपको बता के गई थी? नहीं बता के गया सर, कि बाजार जा रहे हैं सुपन में, अब बाजारे के बहना की या बाजार के लिए टाइम हो गया तो खोजे लगे। तो खोजे तो नहीं तो? मिला काम तो उसके बाद क्या किया? थाना में रिपोर्ट दिया तो थाना वाला कहा कि हम आ जाएगा बच्ची तो हम फोन करेंगे तो चल आना जहाँ रहेगा जहाँ, बस इतने बात बोल रहे सर। हमारे हाथों में उनका तस्वीर है बच्ची का, आप देख पा रहे होंगे, और जो आवेदन दिया गया है वो आवेदन का एक कॉपी हमारे पास है। कुछ लोग इनके स्थानीय लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि इनको कब ये घटना घटी थी। आप अपना नाम बताइए तो बोलो। ये जो घटना हुई है इसकी जानकारी आपको है? जानकारी है। कब हुआ था? दो चार रोज हो रहा है। ये बताइए कि जो घटना घटा था आप लोग सब लोग यहाँ आसपास के लोग गए थे क्या थाना पे? मैं थाना पर नहीं गया था। नहीं गया था। तो ये आवेदन दिया हुआ? आवेदन दिया तो वो अपने गए हैं थाना पर। अकेले गए हैं? अकेले गए हैं कि आप जो चार को लेके गए हैं, सबके थोड़ी लेके गए हैं। और हमारे बीच सज्जन हैं भी, आप इधर आइए। आप अपना नाम बताइए। सही बताइए कि इतना बड़ा घटना घटा है तो आपको तो जानकारी होवे करेगा। ये अपहरण का मामला है या मतलब किसी तरह का होता है ना लव ये सब? नहीं उसका जानकारी नहीं। अपहरण हुआ है निश्चित रूप से आप लोग में सब लोग जानते हैं। आप अपना नाम बताइए, इधर इनको दिखाइए। इधर बहू है, आप बताइए ना अपना नाम। अच्छा ये बताइए कि जो घटना घटा है उसमें आप जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है, आप ही किनारे वाली है ना। तो ये जो घटना घटी है बहुत शर्मनाक है और पुलिसिया तंत्र के लिए तो ये एकदम अभिशाप है, क्योंकि 11 दिन होने के बाद भी अगर लड़की बरामद नहीं होती है, अगर इसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिहार सरकार के DGP महोदय भट्टी साहब, आप देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप देख लीजिए, ये है स्थिति बिहार की। ये नौसा पंचायत फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी जो है अनियमितता बरत रहे हैं, आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो इसको अविलंब कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करके उनको जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए और जितना हो सके उनको दंड के भागी बने वो, चूंकि अभी तक जो भी सूचना मिले जिसमें अनियमितता बरती गई है थाना प्रभारी की तरफ से, और सरकार आप देख रहे हैं कि सरकार जब थाना प्रभारी को नियुक्त करती है तो बहुत सारा जिम्मेवारी दी जाती है। तो अब बताइए ये जिम्मेवारी से तो मुकर रहे हैं, यहाँ तो 11 दिन के बाद भी कोई सूचना नहीं मिल पा रहा है कि उनका क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।